मथुरापुरी के राजा बन गए हैं। लेकिन मथुरापुरी वासियों की याद बहुत आती है, बहुत याद सताती है। मतलब एक दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन भगवान नंद बाबा को, यशोदा मैया को, ग्वाल बालों को, राधा रानी को याद ना कर। याद हर दिन सताती है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि याद ज्यादा आने लगती है, भगवान रोने लगते हैं। तो ऐसी एक दिन की बात है कि ब्रजवासियों की याद बहुत आ रही है। वो नंद बाबा, यशोदा मैया का प्यार दुलार सब बहुत याद आ रहा है। तो भगवान अपने कमरे में बैठ करके रो रहे हैं। भगवान के ठीक बगल में उनके सबसे प्रिय मित्र उद्धव जी, भगवान के बहुत अच्छे मित्र हैं। मतलब उद्धव जी एक ऐसे मित्र थे जिन्हें भगवान के बारे में सब पता है, भगवान के जीवन का जिनसे कुछ ना छिपा, तो सब जानते हैं उनके बारे में। वो मित्र हैं उद्धव जी। जो उद्धव जी हैं वो गुरु बृहस्पति जी के शिष्य हैं। मतलब जीवन में ज्ञान से ऊपर कुछ नहीं, परम ज्ञानी है, ज्ञान सबसे ऊपर है, सबसे ऊंचा है। जो उद्धव जी हैं उनकी चाल ढाल बोलना चालना सब श्री कृष्ण जैसा है, दिखते श्री कृष्ण जैसे हैं। मानो यदि दूर से कोई देखे तो ऐसा लगे जैसे श्री कृष्ण ही चले आ रहे हैं। तो सब कुछ श्री कृष्ण जैसा है, और उनका जो कक्ष है वो ठीक भगवान के कक्ष के बगल में है। भगवान के रोने की आवाज सुनाई दी, उद्धव जी दौड़े दौड़े गए हैं। जैसे उद्धव जी पहुंचे तो श्री कृष्ण रो रहे हैं। श्री कृष्ण को रोता देखकर कहते हैं, कन्हैया क्या बात है, तुम उदास हो, क्यों रो रहे हो? कन्हैया कहते हैं कि आज नंद बाबा की, यशोदा मैया की, राधा रानी की बहुत याद आ रही है। ठाकुर जी कहते हैं कि आज नंद बाबा, यशोदा मैया का प्यार दुलार उल्हाने सब बहुत सता रहे। कहते हैं कि मैंने सबको छोड़ कर आ गया, वो नंद बाबा, वो यशोदा मैया, अरे कितना प्रेम किया उन्होंने मुझसे, मैंने क्या किया, छोड़ कर आ गया। कहते हैं वो नंद बाबा ने, यशोदा मैया ने मेरे पीछे कितने उल्हाने सहे, कितना कुछ सहा, मैं उनको छोड़ कर आ गया। कहते हैं वो यशोदा मैया दिन भर सिर्फ कुछ ना कुछ बुरा सुनती रहती थी मेरे, कल आज ये गोपी आई, कल वो गोपी आई, कहती आज कन्हैया ने यहाँ माखन चुराया, वहां माखन चुराया। मैया ने सिर्फ उल्हाने से फिर भी इतना प्रेम करती रही। कहते हैं कि एक बार मैया ने मुझसे कहा कि देख लाला, तू माखन मत चुराया कर, क्योंकि वो गोपियों की जीविका ही इसी से चल रही है, थोड़ा बहुत धन आता है उसके कारण, तू वो भी चुरा लेता है माखन, तो ये ठीक नहीं है, तो माखन मत चुराया। तो भगवान ने माखन चुराना बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद ही सारी गोपियां आनंद महल के बाहर एकत्रित हो गई हैं। यशोदा मैया को आवाज आ रही है, यशोदा मैया आती हैं, कहती हैं गोपियों से, क्या बात है आज सभी नंद महल आई है? गोपियां कहती हैं, मैया आप बताओ बात क्या है, इतने दिन हो गए पर वो कन्हैया माखन चुराने नहीं आ रहा। मैया कहती है, मैंने समझा दिया है कन्हैया को कि अब वो माखन ना चुराए, क्योंकि मैं जानती हूँ आप लोगों की जीविका ही इसी से चल रही है, और वो माखन चुरा लेता है तो ठीक नहीं रहता है, इसलिए मैंने मना कर दिया है, चिंता मत करो। तो वो गोपियां कहती हैं कि मैया हम तो बहुत अमीर हैं कि वो कन्हैया हमारे घर आकर के माखन चुराता है, हम गरीब तो उस दिन हो जाएंगे जिस दिन ये हमारे घर आना छोड़ दे, हम तो बहुत अमीर हैं। मेरा भगवान कहते हैं ये वो गोपियां हैं जो मुझसे इतना प्रेम करती। ठाकुर जी कहते हैं कि एक बार मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, मतलब हर तरह के औषधियां मुझे दी, वैद्य जी स्वयं परेशान हो गए, पर मैं ठीक नहीं हो पा रहा था। तो मैंने उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, मैं इन औषधि से ठीक नहीं हूँ, आप जाइए
जाकर के मेरे किसी भक्त के चरण की धूल लेकर के आई, वो मेरे मस्तक पर लगा दीजिए, मैं ठीक हो जाऊंगा। महाराज जितने भी लोग हैं वो जा रहे हैं, वैद्य जी भी गए हैं, भक्तों से कहा है कि आप अपने चरण की धूल दे दीजिए, भगवान की तबीयत बहुत खराब है। भगवान ने स्वयं ने कहा है कि वह आपके चरणों की धूल लगा करके ठीक हो जाएगी। सारे भक्तों ने अपने चरण की धूल देने से मना कर दी, कि सब जानते हैं कि यदि हमारे चरण की धूल हमने दे दी सीधे नरक जाना पड़ेगा, कोई तैयार नहीं है। लेकिन जैसे ही ये बात एक गोपी से कहती है, वो गोपी कहती है ठीक है आप मेरे चरण की धूल लेकर के जाओ, मानती हूं मैं नरक जाऊंगा, लेकिन यदि उससे मेरा कन्हैया ठीक होता है तो मैं कुछ भी कर सकती, अपने चरण की धूल दे। भगवान कहते हैं वो गोपियां हैं जो इतना प्रेम करती, तो मैंने क्या किया उन गोपियों को छोड़कर आ गया। कहते हैं ये सब तो फिर भी ठीक है, लेकिन मैं राधे को छोड़कर आ गया। अरे वो राधे, उन्होंने मुझसे कितना प्रेम किया, हमेशा उससे प्रेम करती रही, चाहे कितनी लड़ाइयां हुई हो कुछ हुआ, और मैं राधे को छोड़कर आ गई। महाराज भगवान राधे 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 करते करते रोने लगे, मतलब अश्रु रुक नहीं रहे हैं, इतना सब कुछ हो गया है, लेकिन उद्धव जी के ऊपर इसका असर थोड़ा सा भी नहीं पड़ा। उद्धव जी कहते ऐसी ही बात थी तो तुम उन अनपढ़ गवार ब्रजवासियों को समझा कर आते, शब्द क्या प्रयोग किया है अनपढ़ गवार। भगवान कहते मैं तो नहीं समझा पाया, तुम समझा दो। उद्धव जी को लगता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं समझा सकता हूँ, अरे जाकर के बोलना ही तो है। उद्धव जी कहते हैं ठीक है मैं समझा दूंगा। ठाकुर जी सोचते हैं आज अच्छा अवसर है, आज इन्हें समझाना जरूरी है कि ज्ञान से ऊपर भी कुछ है और वो है प्रेम। महाराज जीवन में प्रेम से ऊंचा कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं ऐसे जाओगे तो कोई तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं, मेरा पीतांबर ओढ़ करके जाओ। कहते हैं जैसा तुम कहो। अब भगवान का पीतांबर ओढ़ लिया है, श्री कृष्ण ने सबकी पहचान बताई है कि नंद बाबा कैसे दिखते हैं, यशोदा मैया कैसी दिखती हैं, कहां नंद महल स्थित है, सब कुछ।